तो होने दो। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं? एनडीए की बैठक हो रही है आज और हम लोग सभी लोग गए, मेरे ख्याल से 38 पार्टीज उसमें शामिल हो जाएंगे। शिवसेना एक एनडीए का और बीजेपी का बहुत ही पुराना पार्टनर है। अटल जी, आडवाणी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अभी महाराष्ट्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग आज की बैठक में शामिल हैं। बहुत ही जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए एनडीए की बैठक है आज। सर, विपक्ष भी साथ साथ बैठक कर रहा है बेंगलुरु में, और एनसीपी का जो हिस्सा है वो आपके साथ है, अब किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है ताकत बढ़ी है? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में तो अजीत दादा और उनके साथी सहयोगी लोग जो हमारे युति के साथ आए, शिवसेना बीजेपी के साथ अभी महायुति बन गई है और बिल्कुल परिस्थिति बदल गई है, साथ और मजबूत हो गया सरकार, और इसलिए अभी जिनका मतलब एक तरफ एक विचारधारा वाली गठबंधन है और दूसरी तरफ आपको पता है कि उस पर अभी तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी वो इतने सब मिलकर भी एक नेता नहीं बना पाए, इसी में तो आदरणीय मोदी जी की जीत है। दूल्हा कौन है आपका सवाल ये? हाँ, कोई मतलब एक मत नहीं उनमें। 24 में कैसा माहौल देखते हैं? 24 में तो 2024 में तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह माहौल पिछले 9 साल में जो जितने 50-60 सालों में कांग्रेस ने जो काम कर्म नहीं पाए डेवलपमेंट के, उतने 9 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक कई निर्णय लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर उसको आयाम दिया है। आज देखते हैं दुनिया में एक अर्थव्यवस्था कई देशों की चरमरा गई है, कमजोर हुई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है, 10वें से 5 नंबर के नंबर पे आई है इसे, और पूरे देश में अपने देश का नाम दुनिया में लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। इसके पीछे मोदी जी की मेहनत है और विजन है, और इसलिए 2024 में तय है। ये तो इकट्ठा तो पहले भी हुए थे, 2010-14 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे, उनका एजेंडा एक ही है।